तालीम मंजिल YouTube चैनल तालीम मंजिल YouTube चैनल एक तालीमी चैनल है जिसका मकसद तालीम तालीम और सिर्फ तालीम है वेलकम टू माई YouTube चैनल तालीम मंजिल इट इज प्योरली एन एजुकेशनल चैनल इसमें लेसन हैं बायोलॉजी कंप्यूटर केमिस्ट्री, इंग्लिश जोग्राफी हिस्ट्री मैथ फिजिक्स पाकिस्तान स्टडीज साइंस उर्दू एंड मैनी मोर इसके अंदर है टीचर ट्रेनिंग इसके अंदर है करेक्टर बिल्डिंग इसके अंदर है जनरल नॉलेज और इसके अंदर है साइंस एंड टेक्नोलॉजी इससे भरपूर फायदा उठाइए और इसे दूसरों तक भी पहुंचाइए यह सिर्फ़ एक तालीमी चैनल है जिसका मकसद जहालत के ख़िलाफ़ जहाद करना है जिसका मकसद तालीम को आम करना है एक मीरी और अली तालीम उन लोगों तक भी पहुँचाना है जो मैारी और क्वालिटी एजुकेशन तक रसाई नहीं रखते असलकम स्टूडेंट्स कैसे हैं आप आज हम एक नए और दिलचस्प प्रोग्राम के साथ आपके सामने हाजिर हैं और आज का हमारा मौजू है स्क्रैच स्क्रैच एक विजुअल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसके ज़रिए हम गेम्स बनाते हैं जिसके ज़रिए हम मुख्त प्रॉब्लम को साल्व करते हैं तो आगाज करते हैं अल्लाह के नाम से रहमान रहीम और ये लर्न बेसिक्स ऑफ प्रोग्रामिंग है तो स्टूडेंट स्क्रैच क्या होता है स्क्रैच इज़ आ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दैट यूज़ ब्लास्टेड ऑफ वर्ड्स फ्रेजिज आर स्टेटमेंट्स स्क्रैच एक ऐसा प्रोग्राम है जो कि ब्लास इस्तेमाल करता है ब्लाक यानी छोटे छोटे टुकड़े इस्तेमाल करता है पीसीज इस्तेमाल करता है अल्फाज के बजाय या जमलों के बजाय या फ्रेजिज के बजाय वो छोटे छोटे ब्लास होते हैं उनको इस्तेमाल करते हुए एक प्रोग्राम बनाया जाता है वी अरेन्ज द ब्लाग्स इन प्रॉपर ऑर्डर टू क्रिएट आ प्रोग्राम हम इन ब्लाग्स को प्रॉपर ऑर्डर में तरतीब में एक दूसरे के साथ रखते हैं जिससे वो प्रोग्राम बन जाता है तो स्टूडेंट्स द स्क्रेच कैन भी यूज बाई टू वे जो स्क्रैच प्रोग्राम है ये दो तरीकों से हम इसे इस्तेमाल कर सकते हैं एक है बाई डाउनलोडिंग द फाइल इन द पर्सनल डिवाइस हम अपना कंप्यूटर है लैपटॉप है उसमें हम अगर हम फाइल को डाउनलोड कर लें ये जो स्क्रैच प्रोग्राम है इसकी हम फाइल डाउनलोड कर लें अपने डिवाइस में अपनी मशीन में एक तो तरीका ये है दूसरा तरीका ये है कि बाय वर्किंग ऑनलाइन ऑन इट्स वेबसाइट इसकी जो वेबसाइट है इस पर हम ऑनलाइन काम कर सकते हैं और वेबसाइट जो है उसका एड्रेस है एच टी टी पी एस च डॉट एम आई डॉट ई डी यू एम यूनिवर्सिटी है अमेरिका की कंप्यूटर की जिसने ये प्रोग्राम तैयार किया है खास तौर पे बच्चों के लिए ख़ास तौर पे उन लोगों के लिए जो प्रोग्रामिंग शुरू करना चाहते हैं प्रोग्रामिंग सीखना चाहते हैं इससे हमें बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी जिनको इस्तेमाल करते हुए हम अपना प्रोग्राम बना सकते हैं और इसी ये जो हम यहाँ पे लाजिक यूज़ करेंगे जो तरीका इस्तेमाल करेंगे जो सीक्वेंस इस्तेमाल करेंगे उन उसी तरीके को फॉलो करते हुए हम इससे हायर लैंग्वेज की जो प्रोग्रामिंग है वो कर सकते हैं जैसे पैथान वगैरह तो ये एक ट्रेनिंग है एक तरह की कि हम कैसे प्रोग्राम बनाते हैं तो आप दिलचस्पी लीजिए और पूरी तवज्जो से देखिए तो आपको ये बहुत ईज़ी लगेगा सबसे पहले इसमें हम कुछ चीज़ों को जानते हैं हम कुछ चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं उसमें सबसे पहला जो है वो है स्प्राइट स्प्राइट क्या होता है स्प्राइट इज अ करेक्टर यूज ऑन स्क्रैच स्प्राइट एक करैक्टर है जो कि स्क्रैच में हम इस्तेमाल करते हैं वी प्रोग्राम द स्प्राइट टू मूव एंड इंटरक्ट विद यूज़र हम इस करेक्टर को जिसका नाम स्प्राइट है इसे मूव करते हैं इसके साथ ही डायरेक्ट करते हैं इसकी प्रोग्रामिंग करते हैं और ये जिस तरह हम इसको इंस्ट्रक्ट करते हैं हम इसे अदायत देते हैं ये उसी तरह से वही कुछ ये करेक्टर करता है ये सप्राइट असल में क्या है एक बिल्ली की तरह का करेक्टर है ये जिसको हम जिस तरह से कहेंगे ये उसी तरह से मूव भी करेगी इसी तरह से ये मुख्तलफ हरकत ये करेक्टर जो है वो करेगा तो सप्राइट वो करेक्टर है जी जि, जिसको हम अपनी मर्जी से मुख्तफ उससे काम करवा सकते हैं फिर आगे चल के हम देख सकते हैं कि ये जो सप्राइट है ये जो बिल्ली है इसकी जगह हम कोई और करेक्टर भी रख सकते हैं तो सप्राइट वो करेक्टर है जिसकी हम प्रोग्रामिंग करते हैं और उससे मुख्तु कस्म की एक्टिविटीज़ करवाते हैं तो पार्ट जो है इसका जो हमारा स्क्रैच का जो इंटरफेस है यानी जब हम इस पे लैपटॉप पे या कंप्यूटर पे इस प्रोग्राम को खोलेंगे तो उसमें जो हमें सामने विंडो नज़र आएगी जो हमारा और कंप्यूटर के दरमियान इंटरफेस होगा उस इंटरफेस के हिस्से कान कान से होते हैं अगर हम इन चीज़ों को शुरू में पहले से समझ लेंगे तो इससे क्या होगा कि हमें इस प्रोग्राम में काम करने में बहुत आसानी होगी समझ आ रही है ना बात उसमें सबसे पहले जो है वो है ब्लॉक कैटेगरी मुख्तलि कैटेगरीज़ हैं मुखलिफ किस्म के ब्लाग हैं उसमें सबसे पहले ब्लाक कैटेगरी है दूसरी जो है वो है बलाग पैलेट्स ब्लाट्स कैटेगरीज ब्ला पैलेट्स फिर स्क्रिप्ट एरिया है इसमें होता है फिर एक स्टेज है एक सप्राइट एरिया है जिसमें ये करेक्टर हरकत करता है मूव करता है और एक लिस्ट है जिसमें मुख्तफ किस्म के ये करेक्टर जो हैं इस बिल्ली की तरह के और करेक्टर जो हैं वो भी उसमें मौजूद हैं फिर एक्स एंड वाई कोआर्डिनेट से यानी एक्स कॉर्डिनेट है एक्स कोआर्डिनेट से मिला हरिजेंटल डायरेक्शन में यानी उसकी में ये मूव करेगा और वाई कोआर्डिनेट का मतलब है ऊपर नीचे का जो कोआर्डिनेट होता है दो क्वारेट होते हैं मैथ में आपने पढ़ा होगा एक होता है एक्स क्वारि दाएं और बाएं की तरफ आमने सामने की तरफ ऑरिजेंटल डायरेक्शन में और दूसरा है वाई कोआर्डीनेट यानी ऊपर से नीचे की तरफ स्प्राइट जो है ये स्प्राइट है इसी को हम प्रोग्राम करते हैं और इसी को मुख्तल इंस्ट्रक्शन देते हैं हमारी इंस्ट्रक्शन के मुताबिक ये स्प्राइट अपना जो एक्टिविटीज है वो ये करेक्टर करता है इसकी जगह हम किसी दूसरे करेक्टर को भी रख सकते हैं और इस तरह हम अपनी मर्जी की गेम्स बना सकते हैं अपनी मर्जी के प्रोग्राम बना सकते हैं तो स्टूडेंट्स ये जब हम स्क्रैच को खोलते हैं तो हमारे सामने ये विंडो नजर आती है ये इसका इंटरफेस है स्क्रैच का इसमें ये जो ऊपर पट्टी है ये है मेन्यू बार ठीक ये पूरा ये मैन्यूब बार है इसमें मुख्तु किस्म की आप देखते हैं फाइल है इसके बाद एडिट है ठीक है इसके बाद जो है ये ट्यूटोरियल है साउंड टैब है यानी यहाँ से साउंड जो है उसको आप सर्च कर सकते हैं इसी तरह ये का कस्ट्यूम है कस्ट्यूम का मतलब ये है कि आप वो जो स्प्राइट है उसको मुख्तलिफ जो है करेक्टर उसके बिल्ली की जगह कोई और चीज़ भी आ सकती है तो ये उसके कस्ट्यूम्स हैं फिर ये कोड टैब है ये मेन्यू बार के अंदर ये सारी चीजें ये कोड इसके अंदर यहाँ से कोड हैं और ये हैं ब्लॉक्स ये आप देख रहे हैं ये मुखलिफ किस्म के ब्लॉक्स हैं और इससे नीचे भी काफी सारे ब्लॉक्स हैं यहां से तो हम इसको ऊपर नीचे जो है वो लेके जा सकते हैं ठीक है ये है स्प्राइट ये वो करेक्टर है और ये उसका स्टेज स्टेज को बड़ा और छोटा करना हो तो ये उसके लिए निशान है फिर ये उसका जो भी करेक्टर होगा वो यहाँ पर आएगा ये सप्राइट है बिल्ली है तो यहाँ पे बिल्ली है अगर इसकी जगह कुछ और कर लेंगे तो वो यहाँ पर आ जाएगा सप्राइट ये इंफॉर्मेशन पेन है ये फिर ये चूज आइट यहाँ से आप स्प्राइट जो है उसे चूज कर सकते हैं यानी इस कैट की जगह कोई और चीज़ भी ला के ले, ला जा ले के रख सकते हैं चूज आ चूज कर सकते हैं ठीक है ये ये जो है ये वो पैलेट हैं ठीक ये आ गई है ये मुख्तलिफ जो भी हम इसको जिस इस तरह ये मूव कर रहे हैं इसी तरह वहां पर ये मूव करेगी जब हम इसकी प्रोग्रामिंग करेंगे ये है ये क्या है पैलेट्स हैं यानी ये पूरा ग्रुप है इसके अंदर एक्शन का पूरा एक ब्लॉक्स का ग्रुप है इसी तरह ये साउंड का जो है वो ब्लॉक्स है ये मुख्त किस्म के पूरे पूरे ग्रुप्स बने हुए हैं यहाँ से हम जो भी काम करवाना चाह रहे हैं यहाँ से पहले सेलेक्ट करते हैं और उससे फिर वो काम करवाते हैं ये एरिया है जहाँ पर ये प्रोग्रामिंग की जाती है यानी इसे ब्लाक यहाँ से उठाते हैं और इसको यहाँ रख लेते हैं इस तरह ये ब्लाग को मुख्तु अंदाज़ में ना अरेंज करके यहाँ पर हम प्रोग्राम बनाते हैं ठीक ये स्क्रिप्ट है यानी यहाँ पर एक प्रोग्राम समझें कि ये लिखा हुआ है ये जितने भी ब्लॉक्स हैं इनको हम समझेंगे इन हर एक ब्लॉक का एक मतलब है यानी हर ब्लॉक जो है किसी ख़ास एक्शन के लिए ये होता है इस तरह जो है वो हम आ, इसको समझते हुए प्रोग्रामिंग कर सकते हैं इत आसान है इत दिलचस्प है पूरी दुनिया के लाखों बच्चे जो हैं वो इसको, इसको इस्तेमाल करते हैं अब इनको मज़ीद हम समझते हैं ये जो हमने मुख्तलिफ इसके जो पार्ट्स हैं उसको हमने समझा है तो अब मजीद इनको देखें सबसे पहला जो है वो है ब्लाक कैटेगरीज कैटेगरीज क्या है वो जो ब्लास हैं देर आर मैनी टाइप्स ऑफ ब्लास इन स्क्रैच ईच टाइप ऑफ ब्लाक हैज़ आ स्पेशल स्क्रिप्ट यानी जो ब्लाक है इसके अंदर एक स्क्रिप्ट लिखा हुआ है उसके अंदर एक खुफिया कोड है उस ब्लाक को जब हम टच करते हैं उस ब्लाक को जब हम लाते हैं तो वो जो कोड उसके साथ है उसके जो अंदर जो इंस्ट्रक्शन है वो उसके अंदर छुपी हुई है तो वो वो ब्लाक जो है उसको फिर स्प्राइट को वही कुछ करने के लिए कहेगा वी हैव टू सेलेक्ट एंड प्लेस द ब्लाक इन द स्क्रिप्ट एरिया टू राइट अ प्रोग्राम इस ब्लाक को ख़ास जो ब्लाक हमें चाहिए उसके लिए जो एक्शन हम करवाना चाहते हैं उस तरह का ब्लाक हम उठाते हैं और स्क्रिप्ट एरिया में उसको लाते हैं और इस तरह वो काम हमारा होता है यानी उसे जो इंस्ट्रक्शन देनी होती है उस करेक्टर को उस इंस्ट्रक्शन के लिए ख़ास ब्लॉक होता है वो ब्लॉक उठाकर हम स्क्रिप्ट एरिया में रखते हैं और फिर उन मुख्तलिफ ब्लॉक्स को अरेंज करते हैं जिससे वो जो करैक्टर है वो उन इंस्ट्रक्शंस को उन हदायात को फॉलो करता है दूसरी जो कैटेगरी है दूसरा जो पार्ट है इसका वो है ब्लाक पैलेट्स पैलेट्स में का मतलब है कि ग्रुप्स हैं ये ब्लॉक्स के ब्लॉक पैलेट्स हैव अ लिस्ट ऑफ ब्लॉक्स दैट कैन बी एडिड टू डिवेल्प अ प्रोग्राम ये जो ब्लॉक पैलेट्स हैं ये असल में ब्लॉक का एक ग्रुप है जो कि जब इनको ऐड करते हैं जब इनको आपस में अरेंज करते हैं तो वो वहाँ से लेते हैं कोई भी जैसे साउंड का पैलेट है तो वहाँ से एक ब्लॉक हम उठाएंगे जिस तरह की साउंड होगी वो हम यहाँ रखेंगे ब्लाक पैलेट ऑफ ब्लॉक्स दैट कैन बी एडिड टू डेवलप अ प्रोग्राम टू ऐड अ ब्लॉक द प्रोग्रामर हैज टू क्लिक ऑन द डिजायर्ड ब्लॉक एंड ड्रैग द इप्ट एरिया जो भी आप आवाज़ का करना चाहते हैं एलक्शन करना इसके लिए एक्शन करना चाह रहे हैं उसको मूव करवाना चाह रहे हैं ठीक उसको किसी एंगल पे मूव करना करवाना चाह रहे हैं तो जो भी आप चाह रहे हैं कि ब्लॉक है उसे रिपीट करवाना चाह रहे हैं एक्शन तो जो भी आप एक्शन जा रहे हैं वो प्रोग्रामर जो है वो वहाँ से उसको उठाता है उस पैलेट को टच करता है और वहाँ से जो ब्लॉक हमारे सामने फिर आ जाते हैं उन ब्लॉक्स में से जो ब्लॉक हमें चाहिए होता है जो हम इंस्ट्रक्शन देना चाह रहे होते हैं वो वहाँ से उठाते हैं और स्क्रिप्ट एरिया में उसको रख देते हैं तीसरा स्क्रिप्ट एरिया ये स्क्रिप्ट एरिया से मराद वो एरिया है जहाँ पर इन ब्लॉक्स को अरेंज किया जाता है द एरिया दैट इज यूज टू प्लेस द ब्लॉक्स टू डेवलप द प्रोग्राम वो एरिया जिस पर हम ब्लॉक्स को उठा कर रखते हैं अरेंज करते हैं उस एरिया को क्या कहते हैं फिर स्टेज है स्टेज क्या होता है जहाँ पर उस करेक्टर ने काम करना है इट इज अ प्लेस वेयर द स्प्राइट

कोई नया करैक्टर ऐड करना हो किसी पहले करैक्टर को डिलीट करना हो करेक्टर को मॉडिफाई करना हो यानी एक करेक्टर के बजाय दूसरा करेक्टर रखना हो तो ये जो आ, लिस्ट जो है वहाँ से हम इसको उठाते हैं वहाँ से हम इसे सिलेक्ट करते हैं इट इज़ आल्सो यूज टू चूज एंड चेंज द बैक ग्राउंड यानी बैकड्राप बैकग्राउंड को भी चेंज करने के लिए यहाँ पर इसका इंतज़ाम होता है एक्स एंड वाई कोआर्डीनेट कोडी कोरेस्पॉन्डेंस

तो हमें ये एक्स एंड वाई कोरेस्पोंडेंस जो है कोऑर्डिनेट्स हमें बताते हैं कि यहाँ पर ये जो बिल्ली है या स्प्राइट है या जो भी करेक्टर है उसके एक्स कोऑर्डिनेट यानी ये मंडल से इतनी एक्स इतनी दूर है और वाई जो है वो इतना जो है वो ये दूर है तो इससे हमें उसकी एग्जैक्ट जो पोजिशन है वो पता चलती है तो बड़े जो इसके पार्ट्स हैं वो यही हैं ब्लॉक कैटेगरीज है इसमें ब्लॉक्स होते हैं ब्लॉक पैलेट्स में ब्लॉक्स के ग्रुप होते हैं जैसे साउंड के ब्लॉक का एक पूरा ग्रुप है तो वो साउंड ब्लॉक्स कहलाएंगे इसी तरह स्क्रिप्ट एरिया है जहाँ ब्लॉक्स को अरेंज करते हैं फिर स्टेज है जहाँ पर ये करेक्टर जो है वो एक्ट करता है स्प्राइट लिस्ट है जिसमें मुख्तु किस्म के करैक्टर पड़े हुए हैं और फिर एक्स एंड वाई कोरोस्पॉेंट्स है इसमें ये जो एक्स एंड वाई जो कोऑर्डिनेट्स हमें पता चलता है कि इस वक्त इसकी पोजीशन जो स्प्राइट है उसकी पोजीशन क्या है तो इसके लिए प्रोग्रामिंग के लिए यह जरूरी है